अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है बच्चे? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना काम भी टाइम पे कर रहे होंगे। ओके, क्लास सिक्स हम काम स्टार्ट कर रहे हैं, मैथ की क्लास शुरू कर रहे हैं। एंड मैथ में आपको याद हो तो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है अलजेब्रा का, और एक्सरसाइज हमारे पास है 8B। 8B में क्वेश्चन नंबर 2 हमने लास्ट वीक किया था, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्शन से पहले मेरी एक बात आप लोग थोड़ी सी उस पर उसकी अंडरस्टैंडिंग कर लें कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सेम है। सेम ऐसे है कि मतलब जब तक उनकी वेरिएबल सेम ना हो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो नहीं सकती। बट एक चीज़ जो है वो सब्ट्रैक्शन में इम्पॉर्टेंट है, और उस का रूल है, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रा का रूल है कि जब आप दो टर्म्स को एक दूसरे से माइनस करते हैं तो जो नीचे वाला टर्म होता है इसका जो भी साइन हो वो साइन आपने चेंज करके उसका अपोजिट साइन लगाना है हमारे पास। ठीक है, नीचे वाले टर्म के आपने साइन चेंज करने हैं, प्लस हो तो माइनस करना है, माइनस हो तो प्लस करना है, और उसके बाद उसको ऑपरेट करना है। जैसे यहाँ पर है प्लस 5a प्लस 8a, दोनों नंबर्स प्लस थे। प्लस साइन मोस्टली हम नहीं लगाते किसी भी नंबर के साथ, जब कोई साइन नहीं होता तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर प्लस साइन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे वाले टर्म का साइन जो है वो मैंने प्लस से माइनस में चेंज किया है। ठीक है, अब ये प्लस जो है ये प्लस ख़त्म हो गया है, अब मैं इसका और इसका ऑपरेट करूँगी। तो ये है प्लस 8 और माइनस 5। प्लस 8 माइनस 5 के साथ हमारे आते हैं प्लस माइनस माइनस, 8 से 5 माइनस करें तो 3 आता है, 3a इसका आंसर है। इसके साथ कोई साइन नहीं है क्योंकि ये प्लस है, 8 बड़ा नंबर है तो ये भी प्लस है हमारे साथ, तो प्लस आप लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब सेम इसकी तरह ये वाला क्वेश्चन भी है, दोनों नंबर्स पहले 7x और 4x जो है वो पॉजिटिव थे, मैंने 7 का साइन चेंज करके उसको नेगेटिव कर लिया है और फिर मैंने उसको माइनस कर लिया है, तो माइनस 3x जो है उसका आंसर आया है। ये दोनों बिल्कुल सेम प्रोसेस पे क्वेश्चन हुए हैं। फिर है हमारे पास माइनस 2x फ्रॉम x प्लस 1। तो x प्लस 1 पहले मैंने लिखा है, उसके बाद मैंने उससे 2x जो है वो माइनस किया है। ये 2x पहले माइनस था, इसके बाद मैंने इसको क्या किया है, मैंने इसको प्लस में चेंज किया है। ठीक है, अब ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों को मैंने प्लस ही कर लिया है, 3x आया है और ये 1 अपनी जगह पे आ गया हमारे साथ। ठीक है, फिर है 2x प्लस 1 फ्रॉम माइनस x। तो देखिए ये 2x जो है ये पहले प्लस था, मैंने अभी इसको माइनस कर लिया है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दोनों को मैंने प्लस कर लिया है और 2 का माइनस साइन लगा दिया क्योंकि 2 बड़ा नंबर है। और ये वाला जो है ये प्लस 1 है, तो इसको जस्ट मैंने माइनस 1 कर लिया है, साइन चेंज कर लिया है, इसके साथ कुछ ऑपरेशन में नहीं है तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा, बट इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर आप देख ले तो मेरे पास 2 टर्म्स हैं, 7a प्लस 8b और 2a प्लस 3b। अब देख ले मैंने नीचे वाले टर्म की जो है वो साइन चेंज कर ली है, प्लस से मैंने उसको माइनस कर लिया है और फिर मैंने उसके बाद उसको ऑपरेट कर लिया है। तो 7 माइनस 2 हमारे पास आता है 5, और 8 माइनस 3 आता है भी 5, और दोनों को मैंने पॉजिटिव लिखा है क्योंकि 7 भी बड़ा नंबर है और 8 भी बड़ा नंबर है, तो मैंने उसका साइन जो है वो पॉजिटिव रखा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देख ले 4a प्लस 2b माइनस 3c फिर है 3a जो है हमारे पास पहले पॉजिटिव है फिर मैंने उसको बाद में माइनस चेंज कर लिया है, माइनस b प्लस c। मैंने नीचे वाले का इसका मैंने माइनस में चेंज किया है, इसको मैंने प्लस में चेंज किया है और इसका मैंने माइनस में चेंज किया है, मतलब जो था तो मैंने उसका अपोजिट ले लिया है। ठीक है, फिर है माइनस 3c और माइनस c, सो माइनस माइनस प्लस हमारे साथ आंसर आया है 4c। फिर है प्लस 2b एंड प्लस b प्लस प्लस प्लस, सो 3b हमारे साथ उसका आंसर आया है। फिर है ये 4 प्लस 4 माइनस 3, सो प्लस माइनस माइनस, 4 से 3 माइनस करें तो माइनस 1 प्लस 1 हमारे पास उसका आंसर आ गया। ये है क्वेश्चन नंबर 6। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है, वो भी सेम है। पहले मैंने नंबर्स को लिखा है, फिर जो नीचे वाला नंबर है उसकी मैंने साइन चेंज की, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। ठीक है, फिर प्लस प्लस प्लस, सो 3 प्लस 3 6 आया, प्लस 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 1 प्लस 2 3 आ गया,
प्लस माइनस माइनस, टू माइनस वन वन आ गया हमारे पास, और वो पॉजिटिव है क्योंकि टू जो है वो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है क्लास सिक्स, तो ये है हमारे पास आज का काम, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी, बहुत सिंपल है लाइक एडिशन, बट आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो नीचे वाले टर्म होंगे, नीचे वाला एक्सप्रेशन होगा, उसके आपने साइन चेंज करने हैं, और जब आप साइन चेंज कर लेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने उसको ऑपरेट करना है। ठीक है, प्लस माइनस का आपको पता है कि जब दो सेम साइन हो तो वो ऐड होंगे, और जब दो डिफरेंट साइन होंगे तो वो माइनस होंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में भी लिख लें, और दो तीन दफ़ा उसको आप प्रैक्टिस कर लेता कि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।